यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था उससे कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रकट किया चाहता है और संसार पर नहीं? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ बास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूं, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है, और मैंने अब इसके होने से पहले तुमसे कह दिया है कि जब वह हो जाए तो तुम प्रतीति करो। मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा,
क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, परंतु यह इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चलें।